आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। निरसा बेनागढ़िया स्वास्थ्य केंद्र में कोविड 19 वैक्सीन की पहली डोज लेने के लिए तीसरा दिन लगा, बुजुर्गों की भीड़। मुखिया बाबूजान हेम्ब्रम ने बताया, लोगों के बीच अफवाह के कारण लगातार दो दिनों तक स्वास्थ्य केंद्र कम संख्या में लोग पहुंच रहे थे। वहीं आज तीसरा दिन लोग जागरूक हुए हैं, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, जो एक अच्छे संकेत है। ये टीका अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपनों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए बेझिझक ये टीका सभी को लेना चाहिए। फिलहाल ये टीका 60 वर्षों से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों को दिया जा रहा है। वहीं डॉक्टर जय कुमार ने बताया, ये बिल्कुल सुरक्षित टीका है, पूरे धनबाद जिले में अब तक किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, इसलिए 60 वर्ष के आयु वाले व्यक्ति स्वास्थ्य केंद्र आकर टीका ले सकता है। निरसा से मिले गोप की रिपोर्ट। अब तक मैंने आज कितना दिन टीकाकरण का यहाँ आपसे दो दिन से पहले से हो रहा है, लेकिन आज का भीड़ बहुत अच्छा है और इसमें सभी का परिश्रम है और सभी सहायकों ने बहुत अच्छा ही काम किया, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अपने अपना क्षेत्र से जितने भी 60 साल से उम्र से ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उन लोगों को सभी को अपने माध्यम से और मुखिया के माध्यम से आ रहे हैं और इसमें अपने भागीदारी ले रहे हैं। और तो कोविड 19 का टीका जो है वो ये टीका है कि आप अपने भी बचो, दूसरे को भी बचाना हम लोग का मकसद है। ये सरकार का आदेश है, विशेष इतने हैं बोल के मैं अपना। ये दो दिन पहले तक भीड़ नहीं था, आज भीड़ है। भीड़ ना रहने क्या कारण लग रहा था? तब भी आप जागरूक में कुछ कमियां थी, लेकिन हम लोग अच्छे लोग, कुछ भाई भी था क्या? भाई था, भाई का माहौल था। क्या भाई था? भाई था कि अगर टीका लेते हैं तो हो सक बोल रहा था कि आप ये क्या होता है कि ये मतलब बुखार जैसा आदमी को आता है, इस कारण से आदमी लेना नहीं चाह रहे थे। लेकिन उनके साथ बैठ करके हम लोग बात किए, कुछ समझाए, तब उन लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि चलिए टीका लेंगे। अच्छा, 60 वर्ष के आयु से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका दिया जा रहा है, इसका क्या कारण है ये थोड़ा बता दीजिएगा। टीकाकरण 60 वर्ष से अधिक का करण तो मैं विशेष नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये अब तक कितना लोगों का टीकाकरण हुआ? लगभग 120 आज का डेट में। और मैंने पंचायत के मुखिया है, मुखिया के नाते कुछ पंचायत वासियों का भी कुछ बोलना चाहिए क्या ये कोविड 19 को लेकर? हाँ, बोलना चाहिए, इससे और मतलब अच्छा संदेश पहुँचेगा। क्या बोलना चाहिएगा पंचायत के लोगों को? और जागरूक करने का यही हम उसे कहेंगे कि जागरूक करे, जागरूक रहे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग ज्यादा से जुड़े इसमें। धन्यवाद। कितने लोगों का टीकाकरण किया गया तक हुआ है टीकाकरण? आज क्या टारगेट है? कितना है आज से पहले से भीड़ कम हो रहा था, क्या कारण था? कारण प्रचार जानने सुनने में आदमी पब्लिक का बड़ा दिक्कत हुआ, आज सबको जान लिया कि वहाँ हो रहा है। अच्छा सर, लोगों के बीच एक अफवाह था टीका को लेकर, है ना? आप डॉक्टर साहब इसको लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस टीका में? सबसे सुरक्षित टीका है, अभी जितना भी टीकाकरण धनबाद डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। इससे सबसे अपील है कि आ जाए अपने इसे आधार कार्ड लेते आए, जिसका सबसे ऊपर। अच्छा, ये टीका सर कितना कारगर है? अभी तक ये टीका लेने के बाद कोविड 19 नहीं होगा इसका कोई, या कितना परसेंट सक्सेसफुल है, क्या बता चल रहा है? सेकंड डोज जब दिया जाएगा उसके बाद पूरा फुल। मैंने ये टीका सर कितना परसेंट सक्सेसफुल है ये जानना चाह रहा था। अभी तक दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।